नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब तुम इसे घर तक ले आए। तमीज में बात करो, ये हमारी बीवी है, बकायदा हम दोनों ने निकाह किया। तुम्हारी बीवी ये नहीं, मैं हूँ। तुमको तलाक दे चुका हूँ मैं। तीन बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होता है मोहम्मद, और इस निकाह को तो वाजिब ठहराने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। जब तक हम दोनों का कानूनी तरीके से तलाक नहीं हो जाता, इस औरत को तो मैं घर के अंदर कभी नहीं आने दूंगी। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, और तुम्हें बहुत बर्दाश्त भी कर लिया मैंने। शुक्र मनाओ तलाक देने के बावजूद तुम मेरे घर में रह रही हो, और मैंने तुमको धक्के मार के बाहर नहीं निकाला। सिर्फ इसकी एक ही वजह है, हमारी बेटी सानिया। और अगर तुमने रूबीना को घर के अंदर नहीं आने दिया ना, तो मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें रोड पर खड़ा कर दूंगा। खबरदार जो तुम इसे। कितनी बदतमीज औरत है ये, लगता है एक बार में बात इसे समझ में नहीं आती। ये मेरा घर है और इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं। जाओ यहाँ से। कितनी ख्वाहिश थी ना तुमको इस घर में लाने के लिए मेरी, कितने अरसे बाद पूरी हुई। आज से तुम इस घर की मालकिन। खुश नहीं हूँ मोहम्मद? इस घर में हर तरफ सिर्फ सबनम की चीजें हैं, तो फिर मैं मालकिन कैसे हो सकती हूँ? तुम इस घर की मालकिन हो और वो तुम्हारी नौकरानी। रही सामान की बात, मैं अभी दो मिनट में खाली कर देता हूँ। लो अपना सामान और फेंक दो उस कूड़े को जहां फेंकना है, और आइंदा इस कमरे में आने की जरूरत मत करना, समझे? खुश? घर में तुम घुस गई हो, पर ये किचन मेरा है। निकलो तुम यहां से। चलो अच्छा है, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। चलो इसी बात पर बनाओ दो कप चाय और लेकर आओ बाहर। नौकरानी आई हूं मैं तुम्हारी? नहीं सच्ची में, पर मोहम्मद तो कह रहे थे कि तुम नौकरानी हो। चलो मेरी ना सही, शौहर की तो हो। रूबी कहाँ हो? हाँ आओ। किचन में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाय बनाने आई थी, लेकिन
क्यों बनाओगी चाय? ये है ना, ये बनाएगी। क्या है ना कि ये थोड़ी मशरूफ है, शब्बो रानी। शब्बो रानी, सारा काम छोड़ो और दो कप चाय बनाकर बाहर लेकर आओ। चलो। पागल औरत है, इसके मुंह मत लगना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छे से आता है इससे काम निकलवाना। ओके। बहुत प्यारी लग रही है। सानिया, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए? ये रुबीना आंटी है, हमारी वाइफ। पर आपकी बीबी तो अम्मी है ना? बेटा, अम्मी हमारी बीबी थी लेकिन अब नहीं, अब रुबीना आंटी है हमारी बीबी। तो फिर आप मेरे अब्बू नहीं हो? बेटा, आपके अब्बू हम मरते दम तक रहेंगे, समझे? अब अंदर जाइए। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, आप इन्हें जाने को कहिए। सानिया, आपका नाम कितना प्यारा है, सानिया, बिल्कुल आपको सूट करता है, एकदम आपकी तरह। आप इन्हें जाने को कहिए यहाँ से। सानिया, अब आप बदतमीजी कर रही है, हमने कहा ना जाइए। हम नहीं जाएंगे। सानिया, हमारा हाथ उठ जाएगा, जाइए यहाँ से। अम्मी, क्या कर रहे हो तुम? सानिया, बेटा तुम अंदर जाओ, ठीक है? बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, ठीक कहीं की बेटी है, हमें छोड़ने को तैयार नहीं, और माँ है कि घर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तलाकशुदा होने के बावजूद ये बेगैरत की तरह यहाँ क्यों पड़ी है, अपने शोहर का घर छोड़ के जाती क्यों नहीं? मोहम्मद, इस घर में एक छोटी बच्ची भी रहती है, अगर ये सब हरकतें तुम अपने कमरे में करो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहा? ये घर मेरा है, मैं जहाँ चाहूंगा जो चाहूंगा करूंगा, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली है? तुम्हारी बीवी। तीन बार तलाक बोलने से तलाक नहीं हो जाता, जब तक तुम मुझे कानूनी तरीके से तलाक नहीं दोगे, इस घर में मेरा हिस्सा नहीं दोगे और मेरी बच्ची को पालने के लिए पैसे नहीं दोगे, तब तक ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या, घर का हिस्सा, पैसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी इस घर को छोड़कर। मैं भी देखता हूं तुम कैसे नहीं जाने वाली। तुम्हारे ऐसे बाल पकड़ के मैं तुमको घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ मोहम्मद, मैं तुम पर पुलिस केस करूंगी। अगर मैंने तुम दोनों को एक दिन इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी शबनम नहीं है, याद रखना तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी वो घायल शेरनी है, आराम से सोचते हैं कि इसका क्या करना है।
मारने की कोशिश की। किस हद तक गिर सकते हो तुम मोहम्मद? मैं तुमसे आजाद होना चाहता हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, समझी? आजाद? मैं तुम्हें उम्र कैद करवाऊंगी, बस अब तुम देखते जाओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। रूबी, रूबी सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो मैंने गुस्से में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसे बेवकूफी भरा हुआ काम कैसे कर सकते हो तुम, और वो भी अपने ही घर में? खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। अरे तुमने ही तो कहा था कि उसका कुछ करना पड़ेगा। अरे पर मैंने ऐसे बेवकूफी वाले तरीके से नहीं कहा था। यकीनन वो पुलिस स्टेशन गई होगी। अब क्या करे? क्या करेगा, क्या मतलब है? चलो सबूत मिटाना होगा। चलो ये यहाँ पर इस शर्ट पर भी गिरा है और जमीन पे भी गिरा है। तुम एक काम करो, इसे पकड़ो। और बोतल कहाँ है? बोतल यहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे ले जाकर के कहीं दूर चला दो। ठीक है। लगता है आ गए। अब क्या होगा? तुम अंदर जाओ और बाहर निकलो। आइए साहब। साहब साहब, यही है वो औरत, मेरी सौतन। मोहम्मद, मोहम्मद भी यहीं कहीं होगा जिसने मेरे ऊपर फेंका है। चलिए पहले वो जगह दिखाइए जहां पर फेंका है। हाँ साहब, मैं दिखाती हूँ, आइए। साहब यहीं पे मोहम्मद ने मेरे ऊपर फेंका था। मैं यहीं कपड़े सुखा रही थी साहब। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसे मैंने शर्ट खिसकाई वो मुझ पर नहीं शर्ट पर गिर गया। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना शर्ट है ना निशानी है। क्या हुआ, क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने, और पुलिस वाले को क्यों परेशान कर रही हो? जब देखो तब कुछ ना कुछ झूठा इल्जाम लगाने को तुमको चाहिए। शर्म कर लो थोड़ी सी। इल्जाम में नहीं लगा रही हूँ साहब। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डरूंगा मैं? जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो ये आप इल्जाम क्यों लगा रही हैं? फितरत है सर, फितरत। बदला ले रही है मुझसे। किस चीज का बदला? क्या बताऊं साहब, मैं इसको तलाक दे चुका हूं तकरीबन एक साल पहले। आमतौर पर औरत तलाक देने के बाद घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन ये नहीं गई। तो मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, रहने देते हैं कुछ दिन, इसी बहाने मुझे मेरी बच्ची के साथ वक्त बिताने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जब से रूबीने से मैंने शादी की है ना, और इसको घर लेके आया हूं, ये हर रोज लड़ाई कर रही है, हर रोज इल्जाम लगा रही है मुझ पर। राज, आज तो सर इसने हद ही कर दी। हद तुमने करी है मोहम्मद, तुमने मुझ पर फेंका, मारने की कोशिश तुमने मुझे की। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझ पर नहीं शर्ट पर गिर गया। इंस्पेक्टर साहब आप खुद ही देखिए, यहाँ पर कोई शर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। साहब ये बहुत शातिर आदमी है, इन दोनों ने मिलकर सारे सबूत मिटा दिए। कमाल है मैडम आपका भी, कभी कहती हैं कि डाल दिया, कभी कहती हैं कि सबूत मिटा दिया। देखिए बिना सबूत के ना पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब से ऐसे बुला के पुलिस का वक्त जाया मत कीजिएगा।
चलो। क्या हुआ? आज हम दोनों बाल बाल बचे। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं पुलिस की गिरफ्त में होता, तुमसे बहुत दूर। थैंक यू मेरी जान। लेकिन ये शबनम अब छुप नहीं बैठेगी, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, और हम हर बार बच जाएं ये जरूरी नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, कूड़े की तरह। तुम जाने दो, पिछले एक साल से तुम यही कह रहे हो। मुझे तो इस घर में ले आए पर उसे अभी तक निकाल नहीं पाए। मैं उसको उस मुकाम तक लेकर जाऊंगा कि वो खुद घर छोड़कर चली जाएगी, समझी? अरे ओ शब्बो रानी, कहाँ हो? ये मेरे गहने हैं, मुझे चाहिए। छोड़ो इन्हें, पर अब ये मेरे हुए। तुमने मेरा पति कब्जा लिया, अब तो मेरी चीजों पे भी। हाँ, ये सब मेरा है। छोड़ो मेरे गहने। क्या हुआ शब्बो रानी, बहुत परेशान हो? हाँ? देखिए ना, अब नई नवेली दुल्हन बिना गहनों के रहेगी तो अच्छा लगेगा क्या? आप ही ने तो कहा था कि ये सारे गहने शब्बो के पास हैं, और वो भी आप ही के दिए हुए। तुम्हारा शौहर मेरा हुआ तो उसके दिए हुए तोहफे भी मेरे हुए। मैं गहने किसी कीमत पर तुम दोनों को नहीं दूंगी, समझे तुम दोनों? गहने तो तुमको देने पड़ेंगे, बेकार में वक्त जाया मत करो और गहने मुझे दो। मोहम्मद, ये गहने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी किसी भी कीमत पर। शब्बो गहने दो, मैंने कहा ना। मोहम्मद छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे पता है ये गहने तुम मुझे कैसे दोगी। वहीं रुक जाओ और पहले गहने लेकर आओ। मोहम्मद तुम पागल हो गए हो, वो बेटी है तुम्हारी। इसलिए अभी तक पकड़ा हुआ हूं मैं, गहने लेकर आओ वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। रुको, मैं तुम्हें सारे के सारे गहने दे दूंगी मोहम्मद। अल्लाह के वास्ते सानिया को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। अम्मी, गहने लेकर आओ। अब्बू, आप मुझे सच्ची में गिराने वाले थे? नहीं बेटा, हम आपको नहीं गिराने वाले थे, ये तो बस आपकी अम्मी को तंग करने के लिए था। आप अम्मी को क्यों तंग कर रहे हो? आपकी अम्मी भी तो हमको तंग कर रही है ना। ज्वेलरी लेकर आओ। ये लो ज्वेलरी, पर पहले सानिया को छोड़ो। ठीक हो ना सानिया?
शब्बो रानी, हो शब्बो रानी, जरा इधर तो आना। वो क्या है ना, आप तो जानती हैं, मोहम्मद पूरी रात परेशान करके रखते हैं, सोने नहीं देते, पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा देंगे? थोड़ी शर्म करो रूबीना, शर्म। एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ती हो, ऊपर से ये सब बातें, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओए, बस करो। और जैसा रूबीना कह रही है वैसा करो, अगर इस घर में रहना है तो वैसा करना पड़ेगा जैसा रूबीना कह रही है, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। हरगिज नहीं। मुझे मना करने का नतीजा तुम देख चुकी हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को फिर से मैं? नहीं। जाओ। अभी ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह पाएगी। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, वो उस दिन एक बाबा के बारे में आप बता रहे थे ना, जो बच्चा ना होने की परेशानी से निजात दिलाते हैं, तो चलो ना हम उनसे मिलने चलेंगे। बच्चे के लिए उसके पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो हम ही तुम्हें दे देंगे। रुको ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सुनो तो। अच्छा ठीक, बोलो। तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों एक साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर सच में उन बाबा में शक्ति है तो क्या पता हमारी भी मुराद पूरी हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम आज ही जाओ और उनसे जाकर मिल लो। ओके। पहले हमारी ख्वाहिश तो पूरी कर दो। रूबीना। क्या चाहिए? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सब पता है कि किसको क्या चाहिए। आप ही ध्यान करके बताइए ना मेरी प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। क्या बात है, आज मेरा चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। बिल्कुल, खुशखबरी आने वाली है। हाय। हाँ सच में, अब बस मुझे उस पल का इंतजार है जब छोटा मोहम्मद इस घर में खेलेगा। अब ऊपर वाला मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पक्का? A for apple. Apple means save. हम दोनों कुछ काम से दिल्ली जा रहे हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। करे तुम लोग कभी लौट कर ही ना आओ। बैठो।
साथ कितने दिनों के बाद खेल रहे, कितना मजा आया, है ना अम्मी? हाँ, अब हम रोज खेलेंगे। रोज तो आपकी लड़ाई होती है, अब्बू आपको डांटते रहते हैं। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू बदल गए ना। मतलब? मतलब अब वो हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन मुझसे तो करते हैं प्यार, वो मुझे चॉकलेट लाके देते हैं और आइसक्रीम भी। हाँ देते तो हैं, पर तुम ये नहीं समझोगे, वो हमें इस घर से निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब रूबीना से प्यार करते हैं ना। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद तो वो मुझे भी नहीं है, बस अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसे मोहम्मद की जिंदगी से निकालने के लिए। जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नहीं, 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 मैडम संभालिए खुद को। नहीं, नहीं, मेरी बेटी को कहीं ले जा सकते, छोड़ो उसे। अपने आप को संभालिए, शांत हो जाइए। मैडम देखिए जिसने भी किया हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि हुआ क्या था। मैं कमरे में आराम कर रही थी, फिर मैं वहां से उठ के किचन की तरफ जा रही थी चाय बनाने के लिए। तभी मुझे सानिया के चिल्लाने की आवाज आई और जैसे मैंने सानिया को देखा वो घूमने लग पाती और उसके बाद सब खत्म हो गया। मेरी सानिया। घर में कोई और भी है? जी नहीं, मोहम्मद मोहम्मद और रूबीना दोनों दिल्ली गए हैं। भाभी जान क्या हुआ? मैंने भी एम्बुलेंस को जाते हुए देखा, आप रो क्यों रही हो? सानिया। क्या सानिया को क्या हुआ? आप कौन है? जी वो इनके शौहर मोहम्मद मेरे भाई जान है। इनकी बेटी सानिया का खून हुआ है। बच्ची का खून? या अल्लाह। देखिए हमें पड़ोसियों ने फोन किया था, उन्हें यहाँ से कोई रोने की आवाज आ रही थी। हमें अपना इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, आप इनके शौहर को इत्तला करिए। जी। कहाँ है मेरी बच्ची? मैंने कहा कहाँ है मेरी बच्ची? मैंने उसकी वजह से तुमको घर में रहने दिया, बोलो कहाँ है मेरी बच्ची? इसीलिए मार डाला तुमने उसे, ताकि तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर निकाल पाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे वो मेरी बेटी थी, कैसे मार सकता हूँ मैं उसको? मैंने सिर्फ मजाक किया था, वो भी तुम्हें डराने के लिए। अरे मैं शहर में ही नहीं था, उसको कैसे मार सकता हूँ? शायद आप मुद्दे को बदल रही हैं। मुद्दा ये है कि कैसे आपने कुछ देखा और सुना नहीं। हाँ घर में तो सिर्फ आप ही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? शायद आपने कुछ देखा और सुना है ही नहीं, है ना?
क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि क्या होने वाला है। तुम्हारा मतलब है शबनम ने ही अपनी बेटी को मारा है? आपको फंसाने के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है। पहले भी तो घर में पुलिस ला चुकी है ये, और अब अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में आपको अंदर करवाएगी और जिंदगी भर ऐश करेगी। चुप करो बदतमीज औरत, तुम इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगा भी कैसे सकती हो? मैं एक माँ हूँ और कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती, और मैं तो सानिया से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब बेटी के प्यार से ज्यादा शौहर के लिए नफरत हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। चुप करो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? और ये फसाद की जड़ तो तुम ही हो। छोड़ो मुझे, निकलो तुम इस घर से। हटो चलो, और खबरदार खबरदार ऐसी हरकत दोबारा करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वैसे प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, पर वो कामयाब नहीं होगा। सबो रानी, रानी क्या बोल दिया? तुम तो सच में अपने आप को रानी समझ बैठी? कितने दिन हो गए, घर का एक काम नहीं किया है तुमने, खाना नहीं बनाया है, और यहाँ बैठे-बैठे टाइम पास कर रही हो? चलो उठो फटाफट काम करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। एक तो अपनी बेटी को मार दिया और इल्जाम मेरे मोहम्मद पे डाल दिया, और अब काम ना करने का बहाना मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, बुलाइए सबको, बात करनी है। जी आइए। देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सानिया के सर पर किसी ने पीछे से हमला किया भारी चीज से, और उसके बाद उसका गला काटा गया है। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी बच्ची को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? हाँ हाँ इंस्पेक्टर, मुझे है, मुझे शक है इन दोनों पर, इन दोनों ने मेरी बच्ची को मारा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं क्यों अपनी बच्ची को मारूंगा, और वो भी इस तरह से? हाँ, क्योंकि इसे छुटकारा चाहिए था हम दोनों से। इंस्पेक्टर, इससे पहले भी सानिया को इसने छत से फेंकने की धमकी दी थी। मेरा दिमाग खराब हो गया है इंस्पेक्टर साहब, इसकी आदत बन चुकी है मुझ पर इल्जाम लगाने की। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। मतलब? शबनम ने मुझे फंसाने के चक्कर में कहीं खुद ही ना सब कुछ कर दिया। क्या? मैं मारूंगी अपनी बच्ची को? मैं मारूंगी अपनी बच्ची को? मैं? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? पकड़ के सबको औलाद में डाल दूंगा अभी। असली मुलजिम कौन है हम पता लगा लेंगे। ओके थैंक यू सर। सर सर, बाहर जो हम लोग को खोपड़े के रिश्ते मिले थे ना, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। हो ना हो मुजरिम घर का ही कोई है। जफर, कहीं जा रहे हो? जी कुछ जरूरी काम से जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद जा सकते हो, कुछ पूछना था तुमसे। जी चलिए। जी जरूर, मुझे क्या पूछ रहा है? एक बात बताओ जाफर,
उस दिन जब सानिया का खून हुआ तो तुम वहां इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? बताया था ना आपको, जा रहा था किसी काम से, पुलिस की गाड़ी देखी तो आ गया। किस काम से? शायद नमाज के लिए जा रहा था। शायद नमाज के लिए? तो रोज जाते होगे? जी। उसके एक घंटा पहले कहां थे? घर पर ही था। कपड़े कहां रखते हो? जी कपड़े कहां रखते हो? कम सुनते हो क्या? कबर्ड में। कहां है कबर्ड? जी दिखाओ। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो भैया, पीछे हटो। सर कुछ नहीं उसमें। हम भी तो देख ही रहे हैं कुछ है कि नहीं है। सर कपड़े मेरे। जरा धागा देना चौबे। ये सब मैंने किसी और के कहने पे किया। मोहम्मद कहाँ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बुलाइए। जी और बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? खुशखबरी है, हमने कातिल को पकड़ लिया है और उसने कन्फेस भी कर लिया। कौन है वो? आप नहीं जानते मोहम्मद मियां? अच्छा एक बात बताइए आप मुझे कि उस दिन आप दिल्ली कौन से काम के सिलसिले में गए? बताइए बताइए। सर हमें बैंक का कुछ काम था। कौन से बैंक? इंस्पेक्टर साहब पूछताछ क्यों कर रहे हैं जब आपने कातिल को पकड़ लिया है? रिपोर्ट तो दर्ज करनी पड़ेगी ना कि हमने इन्वेस्टिगेशन कितना बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन एक अजीब बात है, उस दिन आपने बताया कि आप शादी में गए थे एक दोस्त के यहाँ और मैडम बता रही है कि आप बैंक के काम से गए थे, सच क्या है? सर दोनों बात सच है, शादी भी थी और हमें बैंक का काम भी था। और अगर मैं कहूँ कि दोनों बात झूठ है तो? क्या मतलब है आपका? जाफर पकड़ा गया है मोहम्मद। और उसने सब सच सच बता दिया है। क्या जाफर? जाफर ने सानिया का खून किया? नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं मान सकता। जाफर ने तुम्हारे कहने पर सानिया का मर्डर किया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भला मैं क्यों अपनी बेटी को मारूंगा? वो तो हम तुमसे हवालात में पूछ लेंगे। ले चल इसको। रूबीना रूबीना कुछ करो। इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया है। रुबीना जी मोहम्मद, एक बाप होकर के तुमने अपनी ही बेटी को मार दिया। ले जाइए सर इसे यहां से, ले जाइए। रुकिए, अगर आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो इसे भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि सारा प्लान इसी का था, इसी ने मुझे भड़काया था। बच्चा चाहिए? हाँ। उसके लिए तुम्हें फोन की बलि देनी पड़ेगी। बलि? हाँ बाबा बताइए किसकी बलि देनी होगी? कोई ऐसा वैसा खून नहीं लगेगा, पाक खून की आहुति चाहिए। पाक खून की?
मतलब? एक बच्चे के खून की। इसका मतलब मुझे किसी बच्ची को मारना पड़ेगा? हाँ, कर सकोगी? हाँ बाबा, मैं बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम 15 दिन में पेट से होगी। सच्ची बाबा? बच्चे को मारकर उसकी बलि देनी होगी। और उन्होंने कहा कि उस बच्चे का रिश्ता आपके सोहर से गहरा होना चाहिए, तभी असर ज्यादा होगा। सानिया, ये क्या कह रही हो तुम? बेटी है वो मेरी। वो शबनम की बेटी है, क्यों भूल जाते हो तुम? और तुम्हें पता है, शबनम के इस घर में रहने का सबसे बड़ा कारण सानिया ही है। तो जब सानिया ही नहीं रहेगी तो फिर शबनम को इस घर से निकालना आसान हो जाएगा, और हम इस कत्ल का इल्जाम हम शबनम पे डाल देंगे, और हमें उससे हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। पर ये सब हम करेंगे कैसे? मेरे पास एक प्लान है। जफर, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इनको भी ले चलो। कैसे मान सकते हो तुम खुद की बच्ची को मोहम्मद? अरे जानवर भी अपने बच्चों को संभाल कर रखता है। तुम तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं हो मोहम्मद। उनको ले चलो।